बेरोजगारी महंगाई बेरोजगारी दो मुद्दा है वो तो लगता है कि हाँ सही बात बोल रहा है वो ये नहीं होगा क्योंकि ये नहीं बचपन से मैं यही सुनते आ रहा हूँ ये होगा वो होगा हुआ कुछ भी नहीं। चार महीने के बाद हम तेजस्वी यादव से पूछेंगे कौन सा डिपार्टमेंट देगा बेरोजगारी जो है लोग उनको रोजगार कौन सा डिपार्टमेंट देगा वो तेजस्वी हमको बता तो दे पहले। वो हिसाब से बोल रहे हैं 15 लाख नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं दे पाएंगे 1 लाख बोल रहे हैं तो हो सकता है दे पाएंगे 100% जो किए हैं ऐसा नहीं है कैसे बोल रहे हैं किए हैं। अब मोदी का तो हर चीज गारंटी होता है कोई चीज सक्सेस नहीं होता है। बोलने का क्या है हम भी बोल देंगे हमको खड़ा करवा दे हम भी बोले पूरा युवा को रोजगार दे देंगे ये सब बस बोलने के लिए सिर्फ बोलने के लिए है। और ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है ना पड़ोसी बदलेगा ना दोस्त बदलेगा ना सरकार बदलने जा रही है अब जी बिल्कुल नहीं अब की बार 400 पार लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला तो लालू जी को दिमाग मतलब उनका पूरा ध्यान गया हुआ है ममता दीदी पे तो कहाँ बिहार के विकास करेंगे जी। नमस्कार आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ काव्या। 2 तारीख याद रखिएगा एक 15 अगस्त का और दूसरा रक्षाबंधन का। ऐसा हम नहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को जो है बेरोजगारी से आज़ादी दिलाएंगे 30 लाख नौकरी की जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी और रक्षाबंधन को गरीब महिला जो है उनके खाते में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इसी सवाल के साथ आज हम जनता के बीच आए हैं और पूछेंगे कि तेजस्वी यादव के वादा पर बिहार के युवाओं को कितना भरोसा है। तो चलिए सवाल करते हैं सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद गफ्फार। एक बात बताइए तेजस्वी यादव बोले कि 15 अगस्त को जो है बेरोजगारी से आज़ादी दिला देंगे आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि हाँ सही बात बोल रहा है वो सही बोल रहे हैं जी सही है। सही है। और रक्षाबंधन वाली बात आपको कैसी लग रही है? रक्षाबंधन के बारे में तो नहीं जानते हैं मगर उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन के दिन जो है गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजा जाएगा। वो तो जब उनकी सत्ता आएगी तब तो वो देगा ऐसे कैसे दे देगा वो। अच्छा तो आप ये कैसे बोल दिए कि जो 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी दिलाएंगे? ये तो है दिलाने का है। दिलाने का है? हाँ। आप करते क्या? हम पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज में पढ़ाई कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं जी। तो मतलब आपको भरोसा है कि? जी भरोसा है। तो उनकी सरकार क्या क्या है आएगी या नहीं? हाँ आएगी उसकी सरकार आएगी जी। चलिए और भी लोगों से जाना आप अपना नाम बताइएगा। रवि कुमार। आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब? जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को जो है बेरोजगारी से आज़ादी दिलाएंगे क्या लगता है कितना ये सच होगा वादा? कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये नहीं बचपन से मैं यही सुनते आ रहा हूँ ये होगा वो होगा हुआ कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होगा 1% भी नहीं होगा 1% भी नहीं मतलब आपको भरोसा ही नहीं है राइट जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है मेरे को। हो सकता है क्यों नहीं आपको भरोसा है उनके पास? बहुत भरोसा है उन पर। 15 करोड़ मोदी जी भी दे रहे थे दे दिए। तेजस्वी यादव बोले कि 15 अगस्त को जो है बेरोजगारी से आज़ादी दिलाएंगे क्या लगता है? हमको लग रहा है कि दिलाएंगे तो 5 लाख तो रोजगार दे चुके हैं ना। ये सब चुनाव जीतने का एक जरिया है जनता को गुमराह करने का तो जरिया है। 5 लाख जो रोजगार दिए वो क्या है बता दीजिए। 5 लाख जो रोजगार दिए 17 महीना में वो क्या है? 5 लाख रोजगार मिल गया? नहीं मिला गजब हाले हम। अरे हम बीएड कर ले रहे तो हमको भी मिल जाता गजब हाले। नहीं सिर्फ ये वोट लेने के लिए आई है। आप भी इसी धरती पे हैं मैं भी इसी धरती पे हूँ ठीक है। नहीं होगा। और बेरोजगारी वाली बात जो बेरोजगारी से आज़ादी दिलाएंगे वो भी नहीं होगा। वो भी नहीं नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? वो सब गुमराह करने का एक जरिया है। एक सेकेंड। बेरोजगारी कैसे नहीं है? लोग बिहार से कितना आदमी ट्रेन में जाता है सफर करने के लिए महाराष्ट्र जाता है गोवा जाता है दिल्ली जाता है कितना आदमी सफर करता है सबको सरकारी नौकरी हो जाएगा। अच्छा सुनिए ना तेजस्वी यादव जो है एक सेकंड बोले हैं कि 15 अगस्त को जो है बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। इतना है तो बिहार बेरोजगार लगाइए ना प्राइवेटो ना आदमी काम करता है प्राइवेटो आदमी काम करता है कि नहीं करता है। अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं महाराष्ट्र में किस लिए है परिवार बच्चा छोड़ के फैमिली माँ पिताजी छोड़ के क्यों रह रहे हैं महाराष्ट्र में यहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्री लगा सकते? एक सेकंड इनका कहना है कि इंडस्ट्री कौन लाएगा? ये बताइए इंडस्ट्री कौन लाएगा? आप आपने एनडीए को जिताया 40 में से 39 सीट आपने दिया
एक मिनट हमको बोलने दीजिए, 40 में से 39 सीट आपने दिया, उनसे पूछिए आपने 5 साल में कितना बिहार को इंडस्ट्री दिया बताइए। सरकार ये नहीं कह, मैं ये नहीं कह रहा, सुनिए सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए की सरकार ने बहुत रोजगार दे दिया है, लेकिन रोजगार कहाँ है? तेजस्वी से कहिए, उसके बाप माँ को कहिए, जितना प्रॉपर्टी जो है तो वह ऑक्यूपाई किए हुए है, 950 करोड़ का घोटाला जो है वह जो है तो बिहार सरकार को ट्रांसफर कर दे, तब हम ट्रांसफर कर दे, तब हम जो है तो क्या करते हैं, लालू यादव का वोट देने के लिए तैयार हैं। जानती हैं 90 और 95 में मैं भी लालू का फैन था, लालू के फैन थे उस वक्त 90 और 95 में, जिस समय में लालू जो है तो क्या करते 74 के मूवमेंट में जो है तो जेपी के देह पर खसे थे, इमरजेंसी लागू हुआ था, और वह लालू इतना भ्रष्ट होगा कोई नहीं जानता था, और उस आपका भरोसा टूटा है? बिल्कुल भरोसा टूटा है। और रहा नीतीश का, तो कोई सरकार कभी किसी का भला नहीं किया है, नहीं किया है, न करेगा। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी पे भरोसा है? नहीं भाई, क्या भरोसा रहेगा उस पर, उसको क्या है उस पर भरोसा कीजिएगा आप? कुछ नहीं, क्या है उसमें? कुछ नहीं है, क्या है उसमें? आप ही कहिए ना, उसका क्या क्वालिटी है उसकी? किसी पर नहीं, किसी पर नहीं, इसको बताइए, मोदी पे भरोसा कीजिएगा, मोदी पे, मोदी पे भरोसा नहीं है, मोदी पे नहीं है, नहीं है, इनका अपनी चॉइस है, इनका अपनी चॉइस है, मोदी भक्त की बात है। देखिए सभी सभी रोजगार दिए। अच्छा सुनिए, सवाल सुनिए, 15 सुनिए 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 सवाल सुनिए, 15 अगस्त को तेजस्वी यादव कहे हैं कि बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे, क्या लगता है? हाँ सही बोल रहे हैं, नहीं नहीं सही सही बोल रहे हैं, हाँ ओ देखिए 17 महीने में 5 लाख वैकेंसी जो जॉब दे चुके हैं। सुनिए 1990-95 की बात कर रहे हैं, ये बताइए जो नया युवा है, जो नया जन्मा है, जहाँ तक हाँ गुमराह किया जा रहा है, क्या जानेगा? नहीं जानेगा, हम लोग जब से जा रहे हैं नीतीश कुमार के 17 वर्ष से नीतीश की सरकार है, नीतीश कुमार कोई नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार कहे थे जो कि हम जो है तो बिहार से युवाओं का पलायन नहीं होने देंगे। हम नीतीश कुमार से पूछते हैं, जो नीतीश कुमार जो है तो बिहार में हमारे 15 साल के शासन में कितना फैक्ट्री लगाए, कितने युवाओं का हमारा जो है तो अति हुआ। 17 साल से नीतीश कुमार की ही सरकार दी, क्या नहीं दिए? ये 17 महीना में क्यों हुआ? 17 महीना में क्यों हुआ? हाँ मेन सवाल ये, हाँ हाँ तेजस्वी यादव, और इस बार युवा के लिए तेजस्वी यादव, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी मेन दो मुद्दा है, दो ही मुद्दा है। इंडिया जो है तो आजाद हुआ उस दिन भी महंगाई बेरोजगारी ही समस्या थी, कि 15 अगस्त को जो है बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे, भरोसा है आप? हाँ उन पर भरोसा है, युवा है, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा युवा के लिए सोच सकते हैं, हाँ अच्छा है। और एक और बात बोले हैं, ये क्या? हाँ वो हिसाब से बोल रहे हैं, 15 लाख नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं दे पाएंगे, 1 लाख बोल रहे हैं तो हो सकता है दे पाएंगे, मतलब 15 लाख वाला झूठा था जुमला था, और 1 लाख वाला साबित हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, इनकी सरकार आई तो हाँ अच्छा होगा, हाँ इन्हीं का वोटिंग होगा, हाँ इन्हीं का। इस बार तो देख ही रहे हैं जैसा माहौल दिख रहा है वो तो पता ही लग रहा है, हैं इस बार पिछला बार से डायरेक्ट चेंज होगा, इस बार तेजस्वी यादव कहीं जो भी होगा इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, नहीं बनेगा तो पहले से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। जितना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गया है, हर चीज़ को बारीकी से देखिए, ठीक है, पहले था सबका सरकार, ठीक है, अभी है केवल अवसर लोग की सरकार, जिनका घर में बस नौकरी है क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो महंगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जिसका घर में कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, उनको पूछिए क्या हालत है, भी जिनका बाल बच्चा बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर अलग रहकर उनसे पूछिए कि महंगाई क्या है और उनका क्या अभी किस सिचुएशन में जी रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी के इस वादे पे आपको भरोसा है? 100% जो किए हैं, ऐसा नहीं है कैसे बोल रहे हैं, किए हैं, मोदी का तो हर चीज गारंटी होता है, कोई चीज सक्सेस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, बता दीजिए सक्सेस होता है कुछ भी नहीं, 100% हम तो सब दिन, हम तो हर दिन बीजेपी का वोट दिए, लेकिन इस बार से खत्म, इस बार नहीं दीजिए, नहीं हम नहीं देंगे, मेरा कोई थी पार्टी नहीं देगा, मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हम तो खुद, मेरा बाबूजी खुद है ना पिताश्री, वो बीजेपी का आदमी है, लेकिन हम खुद है जो आरजेडी का आदमी हो गए हैं,
देख लीजिए, मैं घर ही में पापा को भी बोल दिए हैं, अब मेरा घर के सब आदमी देंगे आरजेडी को ही, पापा छोड़ के सबको आरजेडी को देंगे, पापा छोड़ के बाकी सब लोग आरजेडी, सबको आरजेडी को देंगे। बोलने का क्या है, हम भी बोल देंगे, हमको खड़ा करवा दे, हम भी बोले पूरा युवा को रोजगार दे देंगे, ये सब बस बोलने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए है, भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसे पे नहीं भरोसा है, मोदी पे भरोसा है, मोदी पे भरोसा जी बिल्कुल है, क्या लगता है, क्या लगता नहीं है, आज मेरे आज से कुछ साल पहले मेरे घर में बाथरूम नहीं था, आज उनकी देन है तो मेरे घर में बाथरूम है, जी उन्हीं के देन है जो नल जल योजना आ रही है, क्या नहीं किया, बहुत सारा आपके नजर के सामने है, घूमिए एक बार बिहार में, एक दो काम बता दीजिए, नहीं नहीं आप खुद देख लीजिए, क्या हम काम गिना है, कुछ चीज नहीं, आप खुद देख लीजिए, घूमिए पटना, हाँ आप ढाला पटना जंक्शन का हाल है, आप पहले क्या था अब क्या था, आगे चल के ब्रिज का हाल देख लीजिए, बहुत सारा चीज है जो कुछ जैसे बयान नहीं आपसे हम कर सकते हैं जी, और बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि चुनावी मामला में आपस में ना भाईचारा खराब नहीं करना है, ना पड़ोसी बदलेगा ना दोस्त बदलेगा, ना पड़ोसी बदलेगा ना दोस्त बदलेगा और ना सरकार बदलने जा रही है, अब जी बिल्कुल नहीं, अब की बार 400 पार पूरा 400 पार का जी बिल्कुल सक्सेस होगा नहीं, हम सक्सेस गारंटी दे रहे हैं, और हम अगर नहीं हुआ तो हम पटना में रहना है छोड़ देंगे, कोई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले ले आप भी ले लीजिए, और उस दिन मेरा 4 जून है ना, 4 जून को मेरे सब कॉन्टेक्ट दीजिएगा, 4 महीने के बाद हम तेजस्वी यादव से पूछेंगे कौन सा डिपार्टमेंट देगा बेरोजगारी जो है लोग उनको रोजगार, कौन सा डिपार्टमेंट देगा, वो तेजस्वी हमको बता तो दे पहले, भरोसा की बात करें 15 साल उसके आरजेडी वालों सरकार चलाया, कितना भरोसा करेगा, जो रहना मुश्किल था मेरी माँ बहन को, यहाँ जो काम हुआ है ना, ये तेजस्वी के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, खुद आके देख ले जो बिहार में जहाँ भी है, आज मेरी माताओं एवं बहनों सुरक्षित है, किनकी वजह से आप बताइए, जो आप अभी अभी जो आप माइक लेके खड़े हैं, ऐसे तो आज से 2014 में नहीं था, 2014 में ऐसे घूम रहे थे, आपकी तरह मतलब की कोई महिला है या कोई युवा घूम रहे थे माइक लेके, सब डिजिटल में आ गया कि नहीं, सबको उठा के डाल देता था, कैसे सबको उठा के सब डाल देता था, और एक और सवाल, एक और हम बहुत बोल रहे हैं, आज भी जितने भी मतलब यादव यादव बोल रहे हैं, कौन सा बाहर के यादव को मतलब कौन सा गरीब परिवार को अपने अध्यक्षता में डाल दिया, वो अपने परिवार को खड़ा कर रहे हैं, मेरा पहले मेरा बेटा खड़ा होगा, पहले अपना परिवार का सोचे, देश के बारे में नहीं सोचे, वो हमारा बिहार तो बिहार के बारे में नहीं सोच रहा है, वो फिर वो जैसे देखिए हम जरूर सोचेंगे, चलिए हम देश के लिए खड़ा हुए हैं तो देश के लिए भैया के लिए भी सोचेंगे, अपना लिए सोचे, लेकिन नहीं पहले मेरा बेटा राघो, पहले मेरा सुनिए एक सेकंड, पहले मेरा बेटा खड़ा होगा राघोपुर से, तब दूसरा में मेरा बेटा खड़ा होगा महुआ विधानसभा से, तभी तीसरा में जो आएगा तो देखेंगे, तब मेरा बेटा होगा तो उसको ये करेंगे वो करेंगे, वे सब नहीं, देश के लिए कुछ कीजिए, एक बात ये भी बोले हैं कि महिलाओं को जो है रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपया देंगे, क्या आपको मिल गया इस रक्षाबंधन में, अरे भाई एक सेकंड मैम, तो एक काम कीजिए, ये आप एक आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, आप हमें राखी बांध दीजिएगा, आपको 1 लाख रुपया तेजस्वी दे ही रहे हैं, और हमको हमें तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी खुद राखी बनवाएंगे या नहीं, आपको इस बात पे जुमलाबाजी है, बिल्कुल जुमलाबाजी है, जुमला है, आप तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए कि बिहार में कितने महिलाएं हैं जी, फिर वो 1 लाख रुपया देगा तो हम मान लेंगे, उनको पता नहीं है कि, अरे उसे खुद का घर नहीं पता, घर में कितने आदमी है, आपको बिहार के बारे में बात पर पूछ रहे हैं, उसको पता ही नहीं है, उसके घर के आदमी कितना चुनाव लड़ रहा है उसको मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, वो लालू यादव को मालूम है, हाँ तेजस्वी यादव को किसी चीज से मतलब नहीं, किसी चीजों से मतलब नहीं, तो किसी चीज लालू यादव तो एक ही चीज बोल रहे हैं बार बार, लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला, उनको तो पूरा ध्यान है ममता दीदी पे, सॉरी उनका तो पूरा ध्यान है ममता दीदी पे कि लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला, तो लालू जी को दिमाग मतलब उनका पूरा ध्यान गया हुआ है ममता दीदी पे, तो कहाँ बिहार के विकास करेंगे जी, वो तो झुलनिया में धाका लगा के कलकत्ता में ले जाएंगे सबके, तो बिहार का विकास करेंगे, तो आपने बिहार के युवाओं को सुना है, राय जाना है कि तेजस्वी यादव के वादों का जो है वो कितनी सच्चाई है, इस वादे में कितनी सच्चाई है, 15 अगस्त को क्या बेरोजगारी से आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ये वादा जो है वो चुनावी जुमला बन के रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।